जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मैं तो अभी देवघर में हूँ, थोड़ा पूजने बाबाईदा का इंतजार में था मैं हूँ। अभी मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। कल आगमन दिवस पर मैंने परसों आया था पूजने सुबाईदा का आशीर्वाद लेकर के। ये तो बहुत सौभाग्य मिला हम लोग को कि पर साल भी नहीं आ पाए थे, लेकिन इन साल के लिए मिला तो मैंने गाड़ी लेकर के आए। तो अभी पूजने बाबाईदा से मिलने के लिए वैसे इंतजार में हूँ। मैं शुरू करता हूँ, गेट के पास ही हूँ। ठीक है दादा, जितना हो सके। हाँ, परम प्रेम मैं से ठाकुर जी के चरणों में रहा, कोटि कोटि प्रणाम। जगत माता जगत जन्य से वर्मा जी के चरणों में रहा, कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य देव से श्री बरदेव जी के चरणों में रहा, कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव से श्री दादा जी के चरणों में रहा, कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के चरणों में रहा, कोटि कोटि प्रणाम। क्या करें उनका कर्म देव उपस्थित पंजाधारी ऋतिक देवतागण आधारजू जाजक एवं सभी गुरु भाई माताएं बच्चों को मैं हार्दिक जय गुरु। मुझे भी सौभाग्य मिला है कि टाटा नगर में जो सत्संग चल रहा है बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन ही अभी चारों तरफ सत्संग करने का आदेश है। तो कल का दिन इतना खुशी का दिन था हम लोगों के लिए, झारखंड वासी के लिए, कि हम लोग ये मौका बहुत मैंने झारखंड बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था, झारखंड का पूरे देश के लिए। क्योंकि ठाकुर जी बांग्लादेश से कल का दिन में बिहार था देवघर, उसी में आए हुए थे। इसलिए हम लोग अगर खुला रहता तो कल लाखों लाख का भीड़ होता। लेकिन कल जो आदेश निर्देश जो मान करके आदेश लेकर के जो आया, उन लोगों का कल दर्शन हुआ और हम लोग भी सम्मिलित होने का मौका मिला। कल गाड़ी से श्री ठाकुर जी को घुमाया गया, ठाकुर जी का दया से हम लोग को भी गाड़ी मिला है, उससे साथ में हम लोग भी घूमे। और कल हनुमान भी करने का मौका मिला था। तो दादा का आदेश हुआ था कि कल का भोजन भंडारा कुछ लोग जो आए हैं उन लोगों को मिलेगा, वो बफे सिस्टम आनंद विहार का अंदर में मिला। तो वो भी एक सौभाग्य मिला कि प्रसाद भी खाने का मौका मिला। बहुत दिन से हम लोग छटपट कर रहे थे कि देवघर कब जाएंगे हम लोग, लेकिन गुरु परिवार तक जिनका पकड़ है, पहुंच है, हम पूरा इधर उधर चारों तरफ बनाता हूं अपना, लेकिन देवघर में कोई पहचानता ही नहीं है, देवघर में कोई संपर्क ही नहीं है मेरा। बड़का बड़का ऋतिक दादा जाजक धर्जू पैसा धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बाड़ी खूब बनाया, लेकिन देवघर में कोई पहचान पकड़ नहीं बनाया। हम लोग क्या किया हूँ कि सब चीज छोड़ करके सबसे पहले देवघर में पकड़ बनाया कि देवघर में अगर दादा लोग जानने लगे पहचानने लगेंगे तो पूरे देश का लोग जानने लगेगा, पूरे विश्व का लोग जानने लगेगा। ये भी मेरा एक स्कूल है, उसमें टॉप क्लास का बच्चा बनना पड़ेगा तब जाकर के सफलता होगा। ये 5 गो नियम दिए हैं, जजन जाजन स्मृति सौ शनि सदाचार, अगर ठीक से पालन करे काटा तभी जाकर के हो सकता है, असंभव। यहाँ हमारे जैसा ऐसा लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते जाते हैं, करोड़ों करोड़, एक दो छोड़िए। ठाकुर जी बोले मंत्र लेने से कोई शिष्य हो जाएगा क्या, स्कूल छात्र हो जाएगा क्या, करोड़ों करोड़ लोग इसमें फेलुअर हो रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी को पकड़ करके जो जो नियम दिया गया है उसको एकदम कांटा कांटा पालन करना ही चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर मंत्र लेने से क्या ठाकुर जी के सत्संग, मंत्र लेने से कुछ हो गया क्या, स्कूल जाने से कोई छात्र हो क्या। ये ठाकुर की दया है, करोड़ों करोड़ इसमें भी फेलुअर होते जा रहा है। इसलिए ठाकुर जी को पकड़ करके, और ठाकुर जी आए हैं, ऋतिक को बोला गया है ऋतिक सुनो, तुम्हारा शिष्य एक भी गरीब नहीं होना चाहिए, एक भी बीमारिया नहीं होना चाहिए, एक भी कंगाल नहीं होना चाहिए, मतलब तुम राजा बना सकते हो। लेकिन अगर वैसा वृत्ति कर्मी बढ़िया से ठाकुर जी को लेके चले, खूब साधना प्रार्थना करके चले, एकदम देवघर का जो निर्देश है कांटा कांटा पालन करेगा, उनको बोलने से हो सकता है। क्योंकि पहले हम ठाकुर का ही बात नहीं मानते हैं, आचार्य देव का आदेश नहीं मानते हैं, निर्देश नहीं मानते हैं,
अपना दिमाग सत्संग जगत में थोड़ा सा भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी लगाएंगे फेल कर जाएंगे हम। जो भी देवगण का आदेश निर्देश होता है उसको पालन करना ही अच्छा है, उसको लेके चलना ही अच्छा है, क्योंकि ये भी एक मेरा स्कूल है, मेरा दो बच्चे हैं, एक तो दोनों सरस्वती शिशु स्कूल में पढ़ता था नवा मंडी में, एक तो अभी पास कर गया, वहाँ मैट्रिक तक स्कूल है, मैट्रिक पास कर इंटर में गया, डीएवी में एडमिशन हुआ उसका। तो हम बोले कि अभी बोला सरस्वती शिशु मंदिर का किताब लेकर के क्यों नहीं जाता है वहाँ, बोला वहाँ नहीं घुसने नहीं देगा। अच्छा वाला ड्रेस पहन के क्यों नहीं जाता है वहाँ, तो नहीं वहाँ अंदर नहीं जाने देगा, क्यों, कि वो स्कूल दूसरा था ये दूसरा हो गया, वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर था ये डीएवी हो गया। तो बोले हमारा भी सत्संग का कुछ नियम कानून है, सत्संग का भी तो कुछ बताया गया है ना कि पंच नीति को पालन करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए, सादा ड्रेस पहनना चाहिए, ये इसका हम लोग नियम नहीं मानते हैं, तब ना लोगों को इतना समय बीत रहा है, या 10 साल 20 साल 50 साल, अभी तो बोलता है 10 साल हो गया दादा, अभी तो 10 साल हुआ है, 10 साल क्या 10 जन्म भी लग जाएगा, जन्म जन्म भर जपने पर भी माल मिलेगा फाका, कैसे ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, इनकी भक्ति मैंने पूरा ऑल इंडिया घूम के आया, देख के आया आसाम में पागल भक्त लोग, घर घर में मंदिर बनाया, उड़ीसा में घर घर में मंदिर बनाया, नेपाल में, बंगाल में, हर जगह लोगों को वहां पर उपस्थित होना पड़ा। तो इसीलिए ठाकुर जी की दया है कि हम लोग को ठाकुर जी मिले हैं, अगर ठाकुर जी नहीं मिलते तो आज खुद मैं नहीं बच पाता, आज कोरोना पॉजिटिव होके मैं भी आईसीयू हॉस्पिटल में था, नवा मंडी हॉस्पिटल में, अगर देवघर से फोन नहीं जाता तो मैं नहीं बच पाता, 50% ऑक्सीजन बचा हुआ था, वो ठाकुर जी साक्षात बचाए, क्योंकि मैं पालतू कुत्ता हूँ, ठाकुर जी का घोड़ा हूँ, तो इसको मारने के लिए बिना गुरु परमिशन के कोई मार नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए ठाकुर जी का जो नियम है एकदम हम लोग भी पालन करने लगा। अब पालन करते करते तो अभी पूरे देश में मैंने जाजन दीक्षा के लिए निकला था, दिल्ली बम्बे असम नेपाल महाराष्ट्र चेन्नई ये सब जगह गया, अभी कोरोना खुलने के बाद विदेश में भी जाना है, विदेश में भी बुलाहट हो रहा है, हम लोग का ठाकुर जी के दास से दो दो सत्संग करने का हमको भी मौका मिला है, सुबह शाम रांची का प्रार्थना टाइम से करता हूँ, सत्संगी जागरण मंच, वहाँ कुछ लोगों का आलोचना भजन प्रार्थना करने के बाद 1 घंटा सत्संग चलता है, 1.5 से 2 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम, और बहुत लोग उसमें जुटते हैं, कल 5 देश का लोग जुटे हुए थे शाम का सत्संग में, यूके से जुटे हुए थे, कुवैत से जुटे हुए थे, ओमान से जुड़े हुए थे, बांग्लादेश से जुड़े हुए थे, इंडिया से जुड़े हुए थे, 5 देश मिलकर कल सत्संग हुआ, तब हम लोग को लगा कि वाकई में देश का पूरे विदेश में भी चर्चा होने लगा ठाकुर जी का, तो पहले से तो होता ही था अभी और ज्यादा बढ़ गया, इसलिए हम लोग को ठाकुर जी का ऐसा चाल चलन बात व्यवहार बना के रखे कि परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग जाजन करते हैं लोग सुनता नहीं है मानता नहीं है, मतलब हम ही खुद नहीं मानता हूँ तो दूसरा को क्या मनाऊंगा, हम खुद स्वस्थानी पालन नहीं करता हूँ दूसरा को मनाऊंगा नहीं मानेगा, वो दीक्षा हम खुद ठीक से खुद नहीं करता हूँ दूसरा को बोलूंगा, ठाकुर जी बोला कोई भी काम करने से पहले तुमको खुद करना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक दूसरा को बोलने का अधिकार ठाकुर जी नहीं दिया है एकदम किसी को भी, ठाकुर जी कुछ भी काम करने के पहले कुछ भी निवेदन होता था, जब खुद ठाकुर जी कहते थे गुड़ खाने के लिए बच्चा को लेकर के आता कि बच्चा मेरा बहुत गुड़ खाता है, ठाकुर जी खुद खाते थे, बोले कि नहीं कल लेकर के आना, बाद में उनको बुलाया गया, उसका माँ लेकर के आई, जब ठाकुर जी खाते थे गुड़ को छोड़ दिए थे तब बच्चा को मना किए है तुम गुड़ मत खाना, उसका माँ गुस्सा कर गई, बोले कि ठाकुर जी आप तो पहले भी बोल सकते थे कल भी बोल सकते थे, आप हमको इतना परेशान किए नहीं बात के लिए, ठाकुर जी बोले अरे माता जी मैंने खुद का गुड़ खाता था, मैंने पहले छोड़ा हूँ, मैं जब खुद करता हूँ तो दूसरा को कैसे बोल सकता हूँ, आज मैं भी ठाकुर जी का दया से पहले जो जो काम हम नहीं करते दूसरा को बोलने के लिए हम लोग सोचते नहीं है कि नहीं हम प्रार्थना नहीं करेंगे नहीं बोलेंगे, नाम ध्यान नहीं करेंगे नहीं बोलेंगे, स्वस्थानी पालन नहीं करेंगे नहीं बोलेंगे, और जब तक स्वस्थानी पालन नहीं होगा तब तक इस जन्म में सुधार होना बहुत मुश्किल है,
मंत्र लेने से ठाकुर जी बोला शिष्य नहीं हो गया, स्कूल जाने से छात्र नहीं हुआ, करोड़ों करोड़ लोग फेलियर हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए ठाकुर जी का दया है कि ठाकुर जी को जब पकड़े हैं तो एक साल तक खूब खाइए पीजिए, एक साल के बाद परिवर्तन बदलाव ले आइए, एक साल के बाद एकदम छोड़ दीजिए कि ठाकुर जी अब जो जो आपका नियम है मैंने पालन करूंगा, तब जाकर के सुधार परिवर्तन कुछ होगा। और नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करोड़ों करोड़ हम लोग भी, हम देखता हूँ कि आसाम का लोग, अभी एक लड़की आई, बच्ची आई थी 8 साल की, आसाम सिलचर से, बाल सम्मेलन में उसने आलोचना किया, मतलब मैं सोचा कि दीक्षा भी लूंगी स्वसैनी भी लूंगी, माता पिता को इतना जिद कर दिया कि मैं देवघर में जाकर लूंगी। और किसी तरीके से देवघर में लाया गया उसको, बच्चा लोग को इतना छोटा में दीक्षा स्वसैनी नहीं होता था, सब दादा के आसपास रहता है, वो लोग डांटने लगे, फिर भी वो धैर्य रखे हुए था कि दादा से बात होगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं बिनती का निकले, क्या बात है, कोई दीक्षा स्वसैनी लेने की आई है आसाम से, बोले हो जाएगा। बच्ची बहुत खुश, बोले कि कल सुबह पूजने सिपाही ला देंगे। तो थोड़ा सा मन इधर उधर होने लगा, मैं तो अभिन बाबू के लिए मन में सोच रही है कि मैं तो अभिन बाबू के लेने के लिए सोच रहे थे। फिर पूछा गया कब तक रहना है, कल दोपहर में जाएंगे। फिर वो लोग शाम को आए आश्रम गेट के पास, तो फिर कोई निकले, भीड़ देख करके दादा ने पूछा देखो वो लोग कहाँ से आया, क्या बात है। वो लोग बोले कि वो लोग आसाम से आया है, एक तो बच्ची है दीक्षा लेना चाहती है, स्वसैनी लेना चाहती है, दादा बोल रहे चाहिए दादा ओ अभिन अभिन दे देगा कल। तो अभिन दा ने सुबह में दीक्षा और स्वसैनी दी, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए क्योंकि इनका इच्छा पूरा हो गया। हम लोग आज का युग में बेटा बेटी को दीक्षा दिलाना नहीं चाहते हैं, ये तो पूरा भारत में रिकॉर्ड बीट हो गया कि 8 साल की उम्र में दीक्षा और स्वसैनी हुआ। हम लोग कोई इतना हम लोग सोचते हैं कभी, बच्चे लोग को दीक्षा दिलाने के लिए बहुत हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं दिला पाते। इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए लोग लगा हुआ है, बना भी दे रहा है, माता पिता को घर से निकाल दे रहा है, भगा दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है, परेशान परेशान यहाँ पर आकर रोते रहता है, निवेदन करते रहता है, कोई उपाय नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए ठाकुर जी का बात है कि ठाकुर जी को जो ले करके चले गया, जो नियम को पालन करेगा, वो सब ठाकुर जी को ही मान के चलना पड़ेगा। अगर ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, सत्संग पकड़े हैं, ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, तो ठाकुर जी को आदेश निर्देश पालन करना ही चाहिए। और जब तक नहीं पालन करेंगे तब तक ये जन्म में मुश्किल है। ठाकुर जी बोल के गया 3 जन्म लग जाएगा, हम दीक्षा लिए हैं बेटा में सुधार होगा, या कि पोता में परिवर्तन आएगा। माताओं से निवेदन है कि जिस दिन आप चाह जाएंगे उस दिन घर से आप हटा सकते हैं मांस मछली प्याज लहसुन, जिस दिन चाह जाएंगे। आपके कितने पति देव ला के दे दें, बेटा ला के दे देगा, मैं नहीं बनाऊंगा, एक दिन में छोड़ सकते हैं आप। ठाकुर का दया है कि अगर माताओं में थोड़ी शक्ति भक्ति तो बहुत है, थोड़ा सा परिवर्तन ला देंगे। ठीक है बेटा बोलेगा प्याज बनाना है, पूरा बेटा के सामने प्याज काट के रख दीजिए और किचन में जाकर उसको फेंक दीजिए, क्या डालते समय देखेगा क्या। एक ऋतिक दादा के घर में शादी हो रहा था, सब बोला अरे यहाँ प्याज लहसुन का सामान नहीं बनता, टेस्टफुल नहीं होगा। तो उन सब डिमांड किया कि नहीं प्याज लहसुन डालना ही होगा, बोला ठीक है पालन करेंगे। एक बोरा प्याज मंगवाया और सब बराती के सामने कटवाया एकदम, बोला एकदम आज पूरा प्याज डाल के आप लोग का मन मुताबिक ही भोजन बनेगा। पूरा कटवा करके जो बनाने वाला कारीगर था उसको सेटिंग था किचन में जाने के बाद उसको फेंक देना है, उसको नहीं डालना है उसमें, वैसे ही किया। वो सबके सामने प्याज कटा गया, तब किचन में बराती देखने जाएगा क्या कि क्या बनाए हैं, वो फेंक दिया सब प्याज को, नहीं डाला। और खूब अच्छा एकदम ठाकुर गुरु भाई लोग था, मंत्र जाप करके भोजन बना दिया और इतना सब भोजन टेस्टफुल खाया, हर एक लोग तारीफ किया, वाह देखें प्याज लहसुन डाला हुआ कितना टेस्ट लगा, कितना अच्छा लगा, कितना स्वाद लगा। लेकिन उसमें डलाया नहीं था, तो दिखाया गया लेकिन डाला नहीं गया। इसलिए आज का युग में माताओं को जितना अगर ठाकुर जी का फोटो लगाए हैं तो फोटो मत समझिए, वो साक्षात हैं। अगर भगवान को मानते हैं तो घर से प्याज लहसुन मांस मछली हटाइए। अब लाइफ आदमी को ठीक नहीं है कि कब तक कितना होगा नहीं होगा, क्योंकि कोरोना काल में तो कितना लोगों को जान गई, लोग समझ नहीं पाया।
इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि लाइफ मेरी जो है, लाइफ जो है मेरी बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ईश्वर के सामने हम जोड़ रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक गाड़ी दो गाड़ी, एक बारी दो बारी। ईश्वर हमारे लिए सोच रहा है कि आज दिन भर में कितना इसका सांस कम हुआ, कितना आयु कम हुआ, कितना कितना दिन भर में आज इसका, आज एक दिन का कम हुआ, वो गिनती करने के लिए लगा हुआ मेरी कि जल्दी जल्दी इस समय पूरा किया जाए इसको, क्योंकि दूसरा को भी मौका दिया जाए आने के लिए। सब हम लोग अगर हम ही लोग जगह टाँड के रखेंगे तो नए लोग, इतना जो मौत हुआ है कहाँ लोग सब जाएगा। इसलिए ठाकुर जी का दया है कि ठाकुर जी को नियम पालन करके चलिए, नियम से चलिए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो मंत्र लेकर के हम लोग अब फिर खाना पीना कर रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, मतलब उनका आदेश निर्देश कुछ नहीं मानते हैं। अभी आचार्य देव का आदेश हुआ था 3.5 करोड़ दीक्षा, वो नहीं कर पाए हम लोग, नहीं कर पाए, इसलिए दोबारा देखिए कोरोना आ गया। अगर हम लोग उसको पूरा कर देते तो ये नहीं होता। इसीलिए ठाकुर जी आचार्य देव का जो आदेश निर्देश होता है उसको सब आप लोग काटा काटा पालन करिए, किसी का बात मत सुनिए, कोई साथ नहीं देगा। मुझे कोरोना हो गया था तो मेरा ना बीवी साथ दिया, ना बच्चा साथ दिया, ना गुरु भाई साथ दिया। साथ कौन दिया? ठाकुर परिवार का लोग साथ दिया। ये लोग हाल खबर लेते रह गए, कैसा है, एक बराबर आश्रम से फोन आते रह गया, 50% ऑक्सीजन से बचा के निकाला गया। नोआ मंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हाथ उठा दिया था कि उम्मीद नहीं है, ठाकुरे कुछ कर सकता है, लेकिन ठाकुर जी का दया है कि ठाकुर जी जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी एक फालतू कुत्ता हूँ, गला में बेल्ट लगा हुआ है, मेरा एक मालिक है, फालतू नहीं है कि मैं कहीं भी कुछ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को भी कहता हूँ कि ठाकुर जी को पकड़े हैं तो अच्छा से ठाकुर जी को लेकर चलिए। ये बहुत सौभाग्य मिला हम लोगों को बहुत सालों के बाद ये देवघर में आने का, देवघर में कुछ ठाकुर जी का बात बोलने का। अरे देवघर का विश्वास आप लोग भी देख लीजिए, ये दादाबाड़ी का रास्ता है, दादाबाड़ी का गेट है, ये हम लोग को भी ठाकुर जी के दर से इस गाड़ी से हम लोग आए थे। एक गुरु भाई ने, कोरोना से मैंने निकला, एक गुरु भाई ने खुश होकर के दिया कि मनोज दा आप कोरोना से बचे हैं, बस ट्रेन में मत चलिए, आपको एक 4-व्हीलर गाड़ी दे रहा हूँ, ये गाड़ी दिया। आज बिंकी दा को दिखाए बहुत खुश हो गए, सिपाही दा को भी बोल कर रह लिए बहुत खुश हो गए। ठाकुर जी बोले थे कि तुम मेरा काम करने चलेगा तो तुमको गाड़ी बाड़ी धन संपत्ति ला के देगा। लोग ठाकुर जी का जो बात बोलने में आनंद, सुनने में आनंद, कहने में आनंद, अनादर में भी आनंद, तो ठाकुर जी बोल रहा है कि तुम और मत सोचो अपने उन्नयन के लिए। इतना ठाकुर जी जब गारंटी दिया है तो ठाकुर जी को पकड़ के हर नियम को मान के चलेंगे, हर एक चीज ठाकुर जी को लेकर चलेंगे, तब देखिएगा कि सफलता बहुत जल्द प्राप्त हो रहा है। और नहीं तो समय आप बिता रहे हैं, भक्ति देखा आसाम में जाके, उड़ीसा में, नेपाल में, बंगाल में, अमेरिका में, लंदन में, लेकिन बिहार झारखंड में थोड़ा दीपक तले अंधेरा है। जहाँ मैं देवघर में हूँ, अगल बगल का लोग को नसीब नहीं कि आके दर्शन प्रणाम करें। कल आसाम का लोग कुछ लोग आए हुए थे दादा को बोल करके, लेकिन हमारे बिहार झारखंड का लोग को उपस्थित होने का देवघर में पकड़ ही नहीं है, जानता ही नहीं है, पहचानता नहीं है। दादा पूरा मैं काम करता हूँ दुनिया में, देवघर में कोई पहचानता है दादा आपको? नहीं दादा, क्या बनाए, संपत्ति खाली बनाए, गाड़ी बाड़ी बनाए। आज मेरे पास भी गाड़ी बाड़ी संपत्ति था, पहले ठाकुर जी जीरो किए, जीरो से फिर हीरो बनाए। हमने भी निवेदन करने एक बार आया था, तो गुरु भाई ठाकुर जी का वाणी बोले, कहे ठाकुर जी पे जो करता है आस, ठाकुर जी करते हैं उसको स्वर बनास, अब फिर भी रखता है आस तो ठाकुर जी होता है दासों का दास। वो तो सब वाणी सुन करके फिर मैंने हुआ कि नहीं अच्छा हुआ, ये अहंकार का चीज मेरे पास बहुत जमा हो गया था, गाड़ी बाड़ी धन संपत्ति सब सबको मैंने गंवाया, पहले हटाया कि नहीं भक्ति मार्ग से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये माया जाल में उलझा दिया हमको, इना लाया हूं ना ले जाऊंगा, ये माया जाल से निकला, आज ठाकुर परिवार के नज़दीक में आ गया। आज दादा लोग हाल चाल, कल माता जी से बहुत देर बात हुआ, कुछ दिन आज बिंकी दा से बहुत देर बात हुआ, कल सिपाही दा से बात हुआ, ये सब बहुत किस्मत वाला का ये सब मौका मिलता है। तो हमारे ऐसा ऐसा करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, करोड़ों करोड़। ये आप लोग को प्रार्थना है, आप लोग से विनती प्रार्थना मेरी यही है कि ठाकुर जी को पकड़े हैं तो पंच नीति को मानते हुए, देवघर का जो आदेश निर्देश होता है उसको कार्य करते हुए चलिए। यहाँ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगने की जरूरत नहीं पड़ता ये पर। इसलिए बोल करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, सभी का मंगल कामना करके मैं ठाकुर जी प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, निरोग रहें। जय गुरु।